अगर आप 12th क्लास में और आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप एडमिशन लेने से पहले उनके फ्रॉड के बारे में जान लीजिए। एक्चुअली फ्रॉड नहीं है, आपको स्टूडेंट को परेशान करने वाली बातें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से या फिर मान लीजिए किसी भी असिस्टेंट, किसी भी प्रोफेसर या किसी भी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेता है, तो क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज़ करो कि आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, आपके पास खुद कॉलेज वाले आते हैं या फिर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, जो भी ब्रोकर एजेंट होते हैं इनके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपसे बस इतनी फ़ीस ली जाएगी, इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, इसकी गारंटी देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है तो आप हमें बताएंगे, हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जैसे आप अगर सपोज आपने कंसल्टेंसी के या किसी भी प्रोफेसर की काउंसलिंग के थ्रू आपने एडमिशन लिया, आपने सपोज कि आप SC या OBC या ST कास्ट में आते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको वो लोग बोल दिया जाता है आपसे कि आपको सिर्फ स्कॉलरशिप जो आपकी आएगी, जितनी भी स्कॉलरशिप आपकी बनेगी उतनी स्कॉलरशिप आप हमें फीस में दे दीजिए, बाकी इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बाकी कोई 2-3 चार्ज और बताएंगे कि 1000-2000 रुपए होता है वो आप साल भर में आसानी से पे कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो, जैसे आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपकी इंजीनियरिंग फ्री में हो जाएगी, उसको सिर्फ आपको स्कॉलरशिप देना है। अब होता है कि यहाँ पे झूल ये है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग रख लेते हैं, और इसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे ही आपके फर्स्ट सेम के एग्जामिनेशन आते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आपने अभी तक फीस पे नहीं करी, पहले आप फीस पे करिए। तो आप कहते हैं नहीं नहीं भैया, हमने फीस का जो हमारा है वो तो ये कि हम फॉर्म स्कॉलरशिप बेस पर हूँ, मैं जैसे ही मेरा स्कॉलरशिप आएगा मैं फीस पे कर दो। नहीं, हम ये नहीं जानते अभी किससे बात हुई है, आप कहेंगे हमारी ये प्रोफेसर ये सर इनसे हमारी बात हुई, तो कहेंगे आप उनसे ही जाके बात करो, हम कुछ नहीं जानते। आप जाते हैं, पता चलता है वो प्रोफेसर ने कॉलेज छोड़ दिया होता है, वो या छुट्टी पे चला जाता है, आपकी कोई बात नहीं हो रही होती है, और आप यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आपको ये कह दिया जाता है अगर आपने फीस पे नहीं करी है तो आपको आपका फॉर्म हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम में फंस जाता है, पर उसको मजबूरन जो बाहर से आउट ऑफ स्टेट जो स्टूडेंट होते हैं बेचारे, वो परेशान होकर कैसे भी करके पैसा का जुगाड़ करके वो लोगों को फीस भरनी पड़ती है, और यही फ्रॉड यहाँ से इनके चालू हो जाते हैं फिर अलग अलग फ्रॉड करना। तो अब ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स वगैरह भी आते हैं कि सर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा ऐसा हो गया, हम क्या करें। तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इवन डायरेक्टर से जब आप बात करने जाते हैं, डायरेक्टर तो ये कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। इवन वो एक गलत तरीके का बिहेवियर आपके साथ होने लगता है तो आप फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन सब परेशानी से आपको बचना है तो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन, आप कैसे बच सकते हैं। देखिएगा, आप भले ही कंसल्टेंसी के से आप एडमिशन लें, आप किसी प्रोफेसर से लें या फिर डायरेक्ट कॉलेज में जाकर आप एडमिशन की बात करें, तो आपकी जो भी बात हो रही है, आपने सपोज कि आपने स्कॉलरशिप, आप OBC या SC ST के स्टूडेंट हैं और आपने कहा कि चलो मेरा स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन आप कर दीजिए, तो वो स्कॉलरशिप बेस पे रेडी हो जाएंगे बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि आजकल सीट इतनी खाली रहती है कि उनको मजबूरन करना पड़ता है। अब इसमें भी आपको सेलेक्ट ये करना है आपको कौन सा कॉलेज आपने लिया है, क्या एक ही कॉलेज की 4-5 ब्रांच होती है, मेन ब्रांच होती है, कहीं ये ब्रांच कहीं वो ब्रांच, तो आपको कौन सी ब्रांच में उसमें एडमिशन आपने लिया वो भी आप उसमें लिखवा। आप क्या करना है, आपको जो कॉलेज का लेटर हेड होता है उस पर आप क्या करेंगे, लेटर हेड पे पूरा लिखवा कर जो भी आपकी बातें हुई हैं, जितनी फीस आपकी डिसाइड हुई है, जितना आपको पैसा देना है और वो पैसा कब देना है, ये भी आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि आप इस टाइम पीरियड में देंगे। जैसे कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी तभी आप देंगे, स्कॉलरशिप जनरली आपकी मार्च में आती है, मार्च या अप्रैल में आती है, तो आप मार्च या अप्रैल में पे करेंगे, जिससे कहीं आपको वो कई बार क्या करते हैं आपके ऊपर वो चार्ज लगा देते हैं लेट फीस का चार्ज, तो जो कि आपको पता ही नहीं था कि लेट फीस का चार्ज भी लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेटर हेड पर पूरी बातें लिखवा लेनी है कि भैया मैं स्कॉलरशिप बेस का एडमिशन मेरा लिया हुआ है और मैंने सिर्फ, मेरे को मार्च, जब भी मेरी स्कॉलरशिप आएगी चाहे वो मार्च में या अप्रैल में, तभी मैं पे कर पाऊंगा, इसके अलावा मैं कोई भी पैसा पे नहीं करूंगा। इस बीच में मेरा कोई भी किसी भी तरह का मेरा जो अगर फर्स्ट सेम सेकंड सेम के जो फॉर्म फिल होंगे तो फॉर्म फॉरवर्ड होने में मुझे कोई परेशानी क्रिएट ना हो, ये सब लिखवाकर आप आपके जो डायरेक्टर, कॉलेज का जो डायरेक्टर होता है उसके सील एंड साइन आपको करवाना है, क्योंकि अगर उसके आपने सील साइन करवा ली और वो आपके पास ओरिजिनल कॉपी रखना है आपको हमेशा, और उसके 3-4 फोटोकॉपी भी आप करवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने जो बात डायरेक्टर से सील साइन करवा के आपने वहाँ पर लिखनी है तो आप सेव हैं, फिर आपको किसी प्रोफेसर के पास नहीं जाना ना ही। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, कंसल्टेंसी वाले तो आपको फिर मिलेंगे भी नहीं, उनके फ़ोन नंबर आपको बंद मिलेंगे, और जो प्रोफेसर है वो आपको 1 या 2 महीने मिलेगा, इसके बाद वो भी गायब हो जाएगा, उसके यहाँ कोई मर जाएगा, किसी की डेथ, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसके यहाँ, तो वो चला जाएगा आपके पास, कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं करेगा या
गया, फोन आपको बंद मिले, तो इस तरह की परेशानी, क्योंकि बच्चे एडमिशन लेने के बाद फंस जाता है। अब वो क्या करे, उसको अब 4 साल वहाँ पे निकालने कैसे भी करके, तो फिर वो परेशान रहता है और ऐसे ही करना पड़ता है। अब कॉलेज वाले क्या फ्रॉड करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये अकाउंट चाहिए, वो अकाउंट चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको जब भी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह आप ओपन करवाएं तो आप अपना खुद का अकाउंट दें, आपका हर चीज़ आपकी खुद की करें, आप खुद से ही करें। ऐसा नहीं कॉलेज वाले आपका खाता खुलवा रहे हैं, कॉलेज वाले ये कह रहे हैं, इससे क्या होता है कॉलेज वाले अपने अंडर में हर चीज़ कर लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं कहते हैं आपकी स्कॉलरशिप नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको फीस पे करने का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब नेक्स्ट फ्रॉड इनका ये रहता है कि जैसे भी आपने, जैसे ही आपका स्कॉलरशिप आया आपने, या फिर नहीं भी आपने जो फीस पे करी है कॉलेज की, अब आपने फीस पे कर दी है और यहाँ पे आपने पे करके आपने स्लिप अपने पास ले ली और आप अपने घर को चले गए। सपोज करो बाय चांस आपकी स्लिप गुम हो जाती है, तो आप जैसे ही क्या करते हैं, जब फर्स्ट सेम या सेकंड सेम, थर्ड सेम या फोर्थ सेम, जो भी सेम का आप एग्जाम फॉर्म फिल होता है, तो आप जाते हैं तो वहाँ पे अकाउंट्स पे जाएंगे, तो वो आपसे बोलेंगे पहले आप आपकी फीस क्लियर करिए। आपने कहा मैंने तो फीस पे कर दी थी, तो वो कहेंगे लाओ स्लिप दिखाओ, तो स्लिप तो आपके पास रहेगी नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, कॉलेज वाले जानबूझ कर उनके सॉफ्टवेयर इनके पास एक जो होता है उसमें फीस अपडेट करना होता है, इस बच्चे ने फीस पे कर दी, आप तो फीस पे कर चुके होते हैं, साथ में उनको स्लिप भी आप दे देते हैं। 3 स्लिप बनती है हमेशा, एक बैंक कॉपी बनती है, एक स्टूडेंट कॉपी बनती है और एक इंस्टीट्यूशन कॉपी बनती है, तो आप तो वो इंस्टीट्यूशन कॉपी दे देते हैं ताकि आप वो अपडेट कर दे आपकी फीस। लेकिन कई बार क्या होते हैं, कॉलेज वाले अपडेट नहीं करते जानबूझकर, इससे क्या हो जाता है, या तो आप जब कोई फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेम का फॉर्म भर रहे होते हैं एग्जाम फॉर्म, जब वो आपको बोलेंगे आपने फीस पे नहीं करी है तो आपको स्लिप दिखाना पड़ेगा, और अगर आपने स्लिप गुमा दी है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका फॉर्म किसी भी कीमत पर फॉरवर्ड नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको फीस वापस पे नहीं कर देते। तो आपको इसलिए स्लिप अपनी जो है कभी भी गुमाना नहीं है, उसकी 4-5 कॉपी बनाकर रख लीजिए, और आप बार बार आप जाकर वहाँ पर जब फीस अपडेट वाले उनसे बोलेंगे भैया फीस अपडेट कर दी कि आपने, और आप 2-3 बार कन्फर्म भी कर लें दो अलग अलग दिन पर जाकर कि मेरी कितनी फीस पे बची है, कितनी फीस और बची है। अगर वो करते हैं कि नहीं आपकी, तभी आपने पे ही नहीं करी, तो आप उनको तुरंत स्लिप देकर बोलेंगे अभी की अभी अपडेट करिए आप। इससे क्या होता है आपको फीस का बड़ा लफड़ा ये लोग कर देते हैं। अब रही बात आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी कॉलेज वाले आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते। अगर वो आपको फोर्स करते हैं कि नहीं आपको तो कॉलेज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना, तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, इससे उनको जो रहेगा उनके पास जो भी केस बनेगा वो हो जाएगा उनके ऊपर। तो मेन चीज़ ये कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी कीमत पर नहीं देना है उन्हें, आप फोटोकॉपी दीजिए, आप जो भी चीज़ें करते हैं आप सब चीज़ को एक लिखित में एक प्रमाण के रूप में सील साइन करा लें जैसे, और सबसे पहला जो आपको लिखित में प्रमाण पत्र जो करना है वो डायरेक्टर से आप कर लें। तो ये कॉलेज वालों के फ्रॉड होते हैं जो आपसे तकरीबन होते रहते हैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज में। तो गाइज अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में पता चले। वीडियो को अंत तक देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।